खोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमई जंगल में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या के प्रयास में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें, खोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमई जंगल में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया था। बुजुर्ग को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती किया गया था। वहीं इलाज के बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार होने के पश्चात पूछताछ के बाद उसने अपना नाम सुदामा पुत्र स्वर्गीय भुवाल निवासी गोपालपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया। तत्पश्चात खोराबार थाना की पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर घटना के खुलासे के लिए खोराबार थाना प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम को लगाया था, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि संपत्ति के लिए बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक चाकू और एक टेम्पो बरामद किया है। खुलासे के दौरान सीओ कैंट सुमित शुक्ला भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अच्छा ये विकलांग है कि इनको चोट लगी है? विकलांग हम यहाँ टेम्पो भाड़े पे ही चलाते हैं, लवकुर निषाद का टेम्पो है ये, 500 रुपया पर डे पे चलाते हैं, रुस्तमपुर ढाला से धर्मशाला गोरखपुर। दिनांक 10 जनवरी को एक व्यक्ति की गला कटा हुआ मिला था, कुसमई जंगल में मिला था, विनोद वन के पास। उसको पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए थे। उसको जब होश आया, उससे सारी पूछताछ वगैरह की गई, तो उसने फिर अपने बताया कि उनके ही पड़ोस में रहती हैं यादव, और उनके साथ 2 व्यक्ति थे, अर्जुन चौहान और अमित साहनी। ये लोग उनको ले गए थे, 9 तारीख को ही लेके गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर इनका गला जो है चाकू से कट करके वहीं पर उनको छोड़ दिया था। वजह इसमें संपत्ति का कारण लग रहा है। यादव एक्चुअली सुदामा यादव जो है उनके पुत्र यादव की शादी हुई थी बबलू यादव से, और वो उसके बाद जो है इनका जो ख्याल रख रही थी रख रही थी, तो ख्याल रखने के बाद उनके बीच में कुछ संबंध भी बन गए थे। ये जो भी संपत्ति थी इनकी सुदामा की, उसको हड़पने के लिए एक कार्य किया गया था। गिरफ्तारी 3 लोगों की है, अर्जुन चौहान, अमित साहनी, 3 गिरफ्तारी की गई, आज की गई सुबह।